हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे बीसेस्ट ट्वेल्व का जून 24 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे 2 का सी नंबर। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रियल कोफिशिएंट एंड विद द पेयर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने बोल रहा है, दो रूट्स दिया हुआ है। क्या है? 1/5 माइनस रूट 72 और दूसरा क्या है 1/5 प्लस 6 रूट 2। ये क्वेश्चन आपको देखा देखा लग रहा है? अगर हाँ तो वेरी गुड, अगर ना तो फिर सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी आप 3-4 क्वेश्चन पहले ही शायद ये वाला क्वेश्चन बना चुके हैं हम लोग, जिसमें हम लोग को दो रूट्स दिया रहता है, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने बोलता है। मैंने बोला था एकदम अच्छे से कीजिएगा। अगर आप ये समझ गए, ये क्वेश्चन देखते के साथ समझ गए, ये तो पहले वाला क्वेश्चन है, बना चुका हूँ मैं, तो वेरी गुड। अगर नहीं समझे हो तो फिर देखो, यही होता है, अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी वहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेम वही फॉर्मूला, मेरे को पता है एक्स स्क्वायर माइनस सेम सम ऑफ रूट्स एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको, ये जो रूट 72 है इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे, रूट 72 को हम लोग कैसे कर सकते हैं? 6 से जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 से गया, क्या हो गया ये, तो आप लोग को पता है ये 2 का सेट बनता है, तो यानी रूट 6 और ये जो 2 बच गया तो 6 रूट 2 बन गया, है ना। तो यहाँ पे रूट 72 का मतलब क्या हो गया, 6 रूट 2। ये मैंने इसलिए कर दिया ताकि ये देख रहे अब क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6 रूट 2 और 5 प्लस 6 रूट 2, तो ये बनाने में सही रहेगा। या फिर हम लोग 6 रूट 2 को भी रूट 72 बोल सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, वही सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो सम ऑफ रूट्स कैसे हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1/5 माइनस 72 प्लस 1/5 प्लस 6 रूट 2। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग 6 रूट 2 को मैंने 72 मान दिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 प्लस 72 रूट 72। तो यहाँ पे भी सिंपल वही, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाला, तो 5 माइनस 72 5 प्लस रूट 72, है ना। फिर दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 प्लस रूट 72 यहाँ पे आ गया, और इस ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 माइनस रूट 72 इसके साथ हो गया, तो ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए 5 प्लस रूट 72 प्लस 5 माइनस रूट 72, तो ये प्लस रूट 72 और माइनस रूट 72 कट गया, अंदर क्या बचा 5 प्लस 5 तो 10 हो गया, और यहाँ पे ये क्या है 5 माइनस रूट 72 5 प्लस रूट 72, तो ये आप लोग को पता है, देख रहे क्या फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी लग रहा है, तो आप लोग को पता है इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ए क्या है हम लोग का 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, और रूट 72 है, तो रूट 72 का स्क्वायर क्या होता है, तो रूट 72 इंटू रूट 72 क्या होता है, रूट रूट कट गया, तो अंदर क्या बचा 72, तो ये हो गया 72, तो रूट 72 का स्क्वायर हो गया, है ना, तो ये 10 हो गया। 5 का स्क्वायर 25, रूट 72 स्क्वायर का 72, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस करते क्या, तो माइनस 47 आता, उसको ऊपर लिख दीजिए ना, तो 10 डिवाइडेड बाई 47 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 47, तो ये हम लोग का सम ऑफ रूट्स निकल गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम प्रीवियस वाले से था, आपने देखा है, मैं क्या बोला, हल्का सा कैलकुलेशन अलग होगा, बाकी सब प्रोसेस सेम है। तो ये चीज़ अगर आप पहले वाला क्वेश्चन अगर किए होंगे तो ये तुरंत कर लिए होंगे, है कि नहीं, खुद से भी कर लिए होंगे आप लोग। अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए, इसका खुद से निकालिए, देखिए निकाल पा रहे हैं आप, सिंपल चीज़ है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, तो चलो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, तो दोनों को लिख दिए, मल्टीप्लाई करना है, चलो करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल क्या हो जाएगा, वही चीज़ है, देख रहे हैं 5 माइनस है रूट 72 5 प्लस, वही है, यहाँ पे भी रूट 72 ही है ना, 6 रूट 2 को लिख सकते हैं ना, इन दोनों को स्क्वायर करेंगे, वही ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला वही है, ए माइनस बी ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब वही 5 का स्क्वायर माइनस रूट 72 का स्क्वायर, 25 माइनस 72, तो क्या हो गया 1/47। ठीक है, तो 1/47 हो गया, माइनस 1/47, इसको सिंपल ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या है हम लोग का सम ऑफ रूट्स क्या है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10/47, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 10/47 एक्स, बस वही लिखें, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 10/47 एक्स, और हम लोग का फिर क्या है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है माइनस 1/47, तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1/47 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी 5 मार्क्स का था, आपको मिल गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसका 2 का डी नंबर भी देख लेते हैं, तो यहाँ देखिए 2 का डी नंबर,
तो देखिए इफ वन माइनस आई डिवाइडेड बाई वन प्लस आई का पावर 10 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी देन शो दैट ए इज इक्वल टू वन और बी इज इक्वल टू जीरो। ये देखिए ये आई नहीं है, इसको आयोटा पढ़ते हैं, ठीक है आयोटा बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आई बोलूँगा ताकि जल्दी जल्दी बोल सकूँ, नहीं तो आयोटा का स्क्वायर है उसे बोलने में टाइम लगेगा, ठीक है तो इसको आई मान के चलते हैं अभी। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये जो है वन माइनस आई वन प्लस आई, इसको हम लोग क्या करेंगे ना रैशनलाइज कर देंगे। आपको पता होगा ये सब चीज़ आपने शायद 7-8 में पढ़ा होगा, तो इसको करने के लिए क्या कर देंगे इज इक्वल टू, आप लोग को पता है ये नीचे वाला का जो है उसका साइन चेंज करके, मतलब इसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, वन माइनस आई और वन प्लस आई जो है मल्टीप्लाई, इसका साइन चेंज करेंगे नीचे वाले का साइन चेंज करके, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, और दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो वन प्लस आई था तो यहाँ पे हो गया वन माइनस आई, फिर नीचे भी वन माइनस आई, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन माइनस आई इंटू वन माइनस आई, तो यहाँ पे क्या है वन माइनस आई का होल स्क्वायर, है ना, दो बार आए डिवाइडेड बाय वन प्लस आई वन माइनस आई, ये आपको वही फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस वी, तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी वन स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये क्या है वन माइनस आई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हम लोग को दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो चलो पुट कर देते हैं, तो ए माइनस बी का, ए का स्क्वायर क्या हो गया यानी वन, वन का स्क्वायर वन माइनस टू ए बी, तो यहाँ पे है माइनस टू, ए क्या है हम लोग का वन है, बी क्या है आई है, तो क्या हो गया टू इंटू वन टू ही हो गया, तो टू आई प्लस बी का क्या है, बी हम लोग का क्या है आई है, तो आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई, ये सिंपल। अब देखिए वन स्क्वायर का तो वन हो गया माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे माइनस वन क्यों लिखे, तो देखिए मैंने क्या बोला था ये आयोटा होता है, तो आयोटा में आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस वन, ये एक चीज़ है इसको याद कर लीजिएगा, बाकी आप आराम से कर सकते हो। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस वन होता है, तो आई स्क्वायर की जगह पे मैंने यहाँ पे माइनस वन लिख दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पे देखिए वन माइनस टू आई को तो टू आई लिख दिया, फिर यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर का मैंने क्या बोला था माइनस वन होता है, तो यहाँ पे भी मैंने माइनस वन लिख दिया है डिवाइडेड बाई ये वन प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे हुआ टू, ठीक है। तो ये माइनस वन ये प्लस वन माइनस वन कट गया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा माइनस टू आई डिवाइडेड बाई टू, तो यहाँ से टू और टू भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये हम लोगों ने सॉल्व करके इसको लिया है माइनस आई, ठीक है। तो देखिए आई माइनस वन माइनस आई डिवाइडेड बाई वन प्लस आई का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया माइनस आई आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग को था क्या वैसे का पावर 10 था, तो यहाँ पे भी वही हो गया, थस अगर हम लोग का ये है तो 10 है इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू तो हम लोग निकाल लिया अंदर वाला का क्या है माइनस आई, तो माइनस आई का पावर भी 10 हो जाएगा, है ना सिंपल। ये वाला वैल्यू हम लोग को निकाल के यहाँ पे ले आया हूँ, अब उसका पावर 10 कर दूंगा, तो ये कर दिए माइनस आई का पावर 10, ठीक है। तो अब देखिए और आई का पावर 10 क्या होता है 1 होता है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, आई का पावर 10 क्या होता है वो होता है हम लोग के 1 के बराबर, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो सब काम हो ही गया हम लोग का। तो देखिए a प्लस आई बी इज इक्वल टू 1, मैंने क्या बोला था ये क्या बोला a, ये जो है इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, तो मैंने इसको सॉल्व करके का पावर 10 करके क्या लाया है वैल्यू 1 लाया है, तो क्या हो गया a प्लस आई इज इक्वल आई बी इज इक्वल टू 1 हो गया ना, a प्लस आई बी इज इक्वल टू 1 इसकी जगह पे 1, तो वही लिखा हूँ 1, तो यानी a का वैल्यू तो हम लोग का क्या है 1 आया है, ठीक है। यहाँ पे जो आया है 1, और यहाँ पे i है क्या, i मतलब इमेजिनरी नंबर, तो i की जगह पे b की जगह पे क्या है कुछ नहीं आया, तो 0 है, तो 0 हो गया इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पे a क्या हो गया 1 हो गया, b क्या हो गया 0 हो गया, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ये भी लिखने का ज़रूरत नहीं था, आपने जब यहाँ पे सॉल्व किया तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो हैंस a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस आपने ये चीज़ याद रखना है, आई का पावर 10 होता है 1, ये याद रख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का डी भी बना लिया है, तो आशा करते हैं अगला वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बाकी प्लेलिस्ट भी इसका ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये PDF चाहिए तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। इस वीडियो को लेता ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।